प्रथम तहलका न्यूज़। कोरोना महामारी ने हम सभी के जीने का अंदाज बदल कर रख दिया है, तो वहीं अब इसका असर पानीपत में खो खो खिलाड़ियों पर भी पड़ा है। कोरोना से पहले ये खिलाड़ी जहां मैदान में एकजुट होकर प्रैक्टिस किया करते थे, तो वहीं अब ये इनका प्रैक्टिस सेशन घरों तक ही सिमट कर रह गया है। मनाना निवासी भारतीय खो खो टीम की खिलाड़ी सुबह शाम अकेले ही मैदान पर पसीना बहा रही है, लगातार 2 घंटे तक अभ्यास करती है। हालांकि इस खिलाड़ी को अपनी टीम के दूसरे साथियों से दूर रहने का मलाल भी है। हमें बहुत बुरा फील हो रहा है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे अच्छे से और सिर्फ इंडिविजुअल गेम ही कर पा रहे, एक हमारा टीम गेम है सर, इसलिए हमें बुरा फील हो रहा है। भारतीय टीम की सदस्य है, खिलाड़ी है मुकेश, उससे क्या आप लोग सीख रहे हैं? हम ये सीख मिलती है कि हमें भी हम उसी की तरह जाए जो हमारी बड़ी बहन गई है, ऐसे ही हम भी बड़े मुकाम तक जाए और ये गेम ओलंपिक और प्रो कबड्डी की तरह ही प्रो में आए खो खो। मैं सुबह यहाँ पर 5 बजे आती हूँ और 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। सुबह शाम को हम 5 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। कितने अपने गेम खेल चुके हैं अभी तक? सर मैं सीनियर नेशनल, सब जूनियर, जूनियर, स्कूली नेशनल, खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम सब खेल चुकी हूँ। अब जैसे खेल नहीं हो रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा नहीं फील हो रहा है, हम यहाँ पर ओनली इंडिविजुअल गेम करते हैं क्योंकि हम इकट्ठे गेम नहीं खेल सकते, ये हमारा टीम गेम है, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही हमारी। आप किसी भारतीय टीम के प्लेयर हैं तो कैसा अनुभव होता, क्या सीखते हो आप? हमें अच्छा अनुभव होता है कि हमारे साथ हमारी फ्रेंड एक भारतीय टीम की खिलाड़ी है, हमें उसे सीख मिलती है, हम भी उसकी तरह ही खेले। भारतीय खो खो खिलाड़ी मुकेश का हालचाल भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना महामारी में इनके कदम नहीं रुके और ये भी सुबह शाम अपने खेल की प्रैक्टिस करती हैं। मुकेश का अगला लक्ष्य ओलंपिक में अपनी टीम को ले जाना है। सुबह शाम तो हम अपनी इंडिविजुअल करते हैं और अब तो टूर्नामेंट भी नहीं हो रही है तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और अब अभ्यास भी पूरा टीम गेम है, टीम गेम के उस तरह प्रैक्टिस नहीं हो रही हमारी, सब अपना इंडिविजुअल करते हैं। एक खिलाड़ी को खेल की भावना होती है लेकिन अब खेल नहीं हो रही, इन दिनों खेल होते हैं तो कैसा लग रहा है महामारी, कैसा आपको फील हो रहा है? हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कि हमारी टूर्नामेंट होती है अब टूर्नामेंट नहीं हो रही, इस बार तो लॉस हो रहा हमारा। लास्ट जो खेल हुआ था कहाँ हुआ था, आपने क्या मेडल जीता था? हमारा साउथ एशियन नेपाल काठमांडू में हुई थी, वहाँ हमारा इंडिया का गोल्ड आया था। उससे पहले पूरा दिन क्या करते हैं, कैसे अभ्यास, क्योंकि चुस्ती स्फूर्ति का खेल है तो पूरा दिन जब ये अभ्यास के बाद फिर क्या करते हैं आप? वो सर स्टडी करते हैं बस। उससे पहले कितने मेडल जीत चुके हैं? उससे पहले तो मैं 26 नेशनल खेल चुके, उसमें से 8 मेडल आए। वही मुकेश के कोच रविंदर ने भी माना कि कोरोना की वजह से खेल प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि नेशनल और यूनिवर्सिटी स्तर के खेल होते हैं लेकिन रद्द हो जाने की वजह से खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है। पर महामारी तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, पहले तो हमें अपना जीवन चाहिए, ठीक है सर, गेम तो चलते ही रहेंगे, लाइफ है चलती रहेगी, लाइफ होगी तो चलेगी, ठीक है सर। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि ये मनुष्य को ख़त्म ही कर देती है, तो इससे निपटने के लिए लोग अपना डिस्टेंस रखना पड़ता है और अपना मास्क का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इन दिनों कौन कौन से खेल होते हैं जो बच्चे खेलों से दूर है? ये इन दिनों सर अपने जो SGFI होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं U14, U11, U17, U19 के, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर टूर्नामेंटें चलती है इस टाइम, और हमारी फेडरेशन की नेशनलें भी होती हैं। तो पूरा इस साल में तो कोई टूर्नामेंट अभी तक हुआ नहीं, ईयर जाने को हो रहा है, और पिछले साल की भी SGFI की नेशनल रहती है। ये महामारी ज़्यादा फैल गई इसलिए सारा ब्लॉक हो चुका है और बच्चों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोरोना से सिर्फ नेशनल लेवल के खिलाड़ी ही प्रभावित नहीं हुए बल्कि खेलो इंडिया और राज्य स्तर के खिलाड़ियों पर भी इनका असर पड़ा है। अफसोस तो ये है कि अकेले प्रैक्टिस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो इनकी छुपी हुई प्रतिभा देश के सामने आ पाएगी। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेणु की रिपोर्ट।